स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए अंजुम मौदगिल, बी अपूर्वी चंदेला, सी मनु भाकर, डी हीना सिद्धू। आंसर सी मनु भाकर। एक्सप्लेनेशन, झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। यह मनु भाकर का दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। अगला प्रश्न। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ए द ईगल्स, बी द फ्रीजेस, सी द ज्यूस, डी द ओलंपस। आंसर बी द फ्रीजेस। एक्सप्लेनेशन, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजेस है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी पर डिजाइन किया गया है, जो स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीले, सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में नए एम्स बनाया जाएगा? ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी गया। आंसर ए दरभंगा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को एम्स निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन पर होगा। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। राज्यसभा सदस्य संजय झा ने ये जानकारी दी है। अगला प्रश्न। पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए पुरावशेष प्रत्यावर्तन समझौता, बी बौद्धिक संपदा समझौता, सी व्यापार सुविधा समझौता, डी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। आंसर डी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। एक्सप्लेनेशन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षिकी संगठनों यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता अमेरिकी सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई तस्करी की गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 85वें स्थापना दिवस कब मनाया गया? ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। आंसर बी 27 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में अंग्रेजों द्वारा देश में विशेषकर रियासतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष बल के रूप में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम पारित किया।